हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज का मिशन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। एक नया गेम प्ले सीरीज लाने वाला हूँ मैं, मतलब ला रहा हूँ आज। तो यार, जिसने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग टिल देन। एंड सॉरी यार, आजकल पेपर चल रहे ना यार, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लेट लेट आ रही है, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी फिलहाल तो यार आज एक नए वर्ल्ड क्रिएशन करने वाला हूँ मैं। माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन गेम का नाम है। तो मतलब लैपटॉप में चल नहीं रहा ढंग से, तो मैंने यार इसमें जब हमें सोर्स मिल रहा है कि पॉकेट एडिशन खेल सकते हैं तो खेल लो यार। माइनक्राफ्ट तो माइनक्राफ्ट ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये एकदम लेटेस्ट वर्जन है। तो यार अभी मैंने एक नई दुनिया का क्रिएशन किया है, हेमेनलोड नाम रख दिया मैंने इस दुनिया का। तो फिलहाल यार यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर मैं स्पॉन हुआ था। तो यार ये स्पॉन के बिल्कुल सामने ही ये एक रूइन पोर्टल है। तो ये भाई साहब, इस बार मतलब जो रूइन पोर्टल हुए ना, मतलब ये बहुत ही बड़े बड़े हो रखे हैं। और मेरे को इससे इसके अंदर से जो चेस्ट थी ना, मुझे उससे ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं। लेकिन एक हाँ, ये आर्मर प्लेट मिल चुका है, तो ये बहुत बढ़िया हुआ मेरे लिए। अब मैं इसको मेल्ट करके अपने लिए वो बना सकता हूँ इंगेट। अरे यार गाइस, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मेरे साथ ऐसा होता रहता है। मतलब कि खेल के शुरुआत में मर जाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं यार, अभी चलेंगे पूरा दुनिया एक्सप्लोर करेंगे हम। इसमें ना मोमेंट बहुत मतलब थोड़ा हेजी टाइप के है, लेकिन एक दो बार खेलेंगे आप सीख जाएंगे, आराम से मज़ा आएगा आपको उसके बाद खेलने में। तो फिलहाल यार यहाँ पे रात हो चुकी है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब जो भी था मैंने रूइन पोर्टल से उठाया था, वो भी शायद अब लावा में गिर के, यू नो व्हाट, लावा में गिर के होता क्या है, तो यही होता है। तो यार अगर आपने अभी तक एक्शन सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ करिए, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। 300 तक पहुँचाइए यार, 300 तक जल्दी पहुँचाइए, क्योंकि 300 में आपको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। 300 में नहीं, 500 में आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा, आपको मतलब चैनल में कुछ नया देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यार मैं उस प्लेस पे वापस आ चुका हूँ जहाँ पे वो पोर्टल था, और मेरे को कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा है यहाँ पे पत्थर के अलावा। अरे यार कहाँ गया भाई, इतनी बढ़िया चेस्ट प्लेट थी ना वो। अरे यार ये पोर्टल जो है ना, मतलब यहाँ पे मतलब जो रूइन पोर्टल हैं बहुत बड़े बड़े स्पॉन हो रहे हैं। मतलब आप इनका साइज़ देख के बता सकते हैं यार कितने बड़े हैं भाई साहब, है नहीं खतरनाक। अगर मतलब मैं मेरे पास रिसोर्स आएगा ना बाद में, अरे यार ये इसी के कारण हुआ तो भाई, पिछली बार इसी के कारण इसी ने मार पाने इसको। तो फिलहाल अब ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं मेरे को, अपनी पिकेक्स मिल चुकी है गोल्डन वाली, उसको मैं वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। मेरे कपड़े देखिए यार गाइस, कपड़े खतरनाक है यार, कपड़े मस्त मिले थे मुझे, फ्री कपड़े वाला फ्री है। आप अगर कॉइंस में खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, आपके पास ज़्यादा ही पैसा है तो मोस्ट वेलकम यार। कितने मस्त मस्त कपड़े खरीद यार, जो भी करना करिए। तो यार यहाँ पे एक बहुत ही मतलब अलग लेवल का मज़ा आ रहा है यार माइनक्राफ्ट में, दिनों बाद खेल रहा हूँ मैं, इंजॉयमेंट एक अलग लेवल की है। और ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है, बहुत ही बड़ी और बहुत ही मस्त होने वाली, क्योंकि मोबाइल में मुझे खेलने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो फिलहाल यार अभी यहाँ पे तोड़ फोड़ करते हैं, कुछ मचाते हैं मस्त, देखते हैं क्या क्या होगा। एंड मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद यहाँ से जो स्टोन है इनको कलेक्ट करने के बाद। तो यार अभी मेरे पास ज़्यादा सामान, मतलब मैं जितना था ये पत्थर वत्थर इकट्ठा कर लिया, और जो ये मतलब जो बार्स है इनको मैंने इकट्ठा कर लिया है। जब मैं कभी घर वर बनाऊंगा ना, तो इसमें बहुत ही काम आने वाले हैं, क्योंकि यार आयरन भी मेरे पास होगा नहीं। आयरन फार्म, गोलन फार्म, मतलब गोलन फार्म मुझे पता नहीं कि पॉकेट रिच में चलता है कि नहीं, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे, बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, चलना तो चाहिए यार वैसे, क्योंकि स्पॉन तो गोलम हो ही रहा है ना। तो फिलहाल यार यहाँ पे सुबह हो चुकी है एंड रात पूरी बीत गई मेरे यहाँ पे इसको इकट्ठा करते करते हैं। आप चलते एक्सप्लोर करते हैं कहीं नई दुनिया को। यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े मतलब माउंटेन का साइज़ देखे भाई साहब, तो अभी मैं मरते मरते बचा भाई साहब। यार यहाँ पे माउंटेन का साइज़ तो देखिए यार कितना बड़ा भाई साहब। अब भाई माउंटेन में मतलब आपको पत्थर वत्थर इकट्ठा करने में, कोबल स्टोन इकट्ठा करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि यार मतलब बहुत ही ज़्यादा ही लेवल मतलब हाई हो चुका है इस गेम का। मतलब इसके जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं ना, वो बहुत हाई हो चुके हैं, और तो फिर मज़े ही उतने आने वाले। यार यहाँ पे ये पता नहीं क्या चीज़, अच्छा यहाँ पे यार ये वाला ऑप्शन है जो इससे आपको पता चले कि आप क्या मतलब कब कब मरे। मतलब एक तरीके से जैसे माइनक्राफ्ट में होता नहीं है कि जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करते हो तो आपको एक नोटिफिकेशन आती है, तो वैसे यार यहाँ पे भी एक सिस्टम बन चुका है इसका, जो पहले नहीं था मेरे हिसाब से, अब नया नया है। तो फिलहाल यार अभी अपना जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ाते हैं यार, एक बार चलते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं सेटिंग में। यार एक मैं ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ यार, इसको जो वो है ना कोऑर्डिनेट्स मेरे को दिख नहीं रहे ढंग से यार, कोऑर्डिनेट्स वाला किधर है। ओके ओके, वो रहा वो रहा वो रहा यार। इसके एक जो पॉइंटर वाला है ना, वो भी बहुत थोड़ा दिक्कत कर रहा है कभी कभी, मतलब पॉइंटर ऊपर नीचे मूव हो जा रहा है अपने आप ही। तो एक मैं जो वो बड़ा वाला ऑप्शन है उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे सेटिंग बहुत मतलब इसकी चेंज हो चुकी है, आप देख ही सकते हैं, अगर आपके पास मतलब कीबोर्ड कनेक्टिविटी है, मोबाइल से आप कनेक्ट करके आराम से खेल सकते हैं। फिलहाल मैं तो नहीं करने वाला यार इतना झंझट,
क्योंकि मेरे पास अभी कीबोर्ड है भी नहीं, लैपटॉप है, लैपटॉप में तो कीबोर्ड कहाँ लगेगा। तो यार छो कोऑर्डिनेट लिखे, कोऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस गेम में यार, अगर आप खो गए ना कोऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके। तो फिलहाल जितना हो सके कोबाल स्टोन इकट्ठा करते हैं एंड एक्सपी बढ़ाते हैं, क्योंकि कोबाल स्टोन से हमें मिलेगा लाइट स्टिक, मतलब क्या बोलते हैं उनको, लाइट स्टिक ही बोलते हैं उनको। तो यार उससे भी मतलब मजा आया अंदर से भाई साहब इस स्केलेटन में। इसमें ना एक बात ये भी है कि इसमें आपको मॉब्स थोड़ा, मतलब मुझे लगता है कि एक दो मॉब इसमें शायद नहीं है, एंड जो नया वाला मॉब है वो भी शायद इसमें नहीं है। यार गाय माता माफ़ कर देने यार, मुझे आपको मारना पड़ेगा, भूख लगी है एंड सॉरी अम्ब्रेली सॉरी, आपसे माफ़ी मांग। यार एक गाय ने भाई दो लेदर दे दिए भाई साहब इस बार, मतलब इन्होंने माइनक्राफ्ट वालों ने क्या किया ना कि रिसोर्सेज आपको भरपूर मिल रहे हैं यहाँ पे, तो रिसोर्स की इस बार कमी नहीं है, एंड वो भी सही बात है यार एक तरीके से ना। एक्सप्लोर करने में मज़ा तभी आता है जब यार चीज़ें मिलें आपको, चीज़ें नहीं मिलती ना तो यार ये देखिए कितने सारा मतलब मिल रहा है अब, ये जितना कोल्ड स्टोन है सब इकट्ठा कर लो, कोबाल जो भी है ये। यार एक तो नाम मैं भूल गया हूँ इतने दिन बाद खेलने के बाद, लेकिन कोई नहीं यार दोबारा दोबारा खेलेंगे तो याद रहेगा। एक कोल है तो इस कोल को हम लगाएंगे फर्नेस में और अपनी मैचस्टिक्स में, अपने इलाके जो भी हम नया घर बनाएंगे वहाँ पर इसको लगाएंगे, ताकि मज़े आए यार ज़बरदस्त तरीके से यार। और मैं ज़रा इकट्ठा करता हूँ जल्दी से जितना हो सके, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ओके गाइस, तो यार जितना हो सकता मैंने इकट्ठा कर लिया है एंड अब हम चल रहे हैं पानी के अंदर और देखते हैं यार यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे भी और कोल है हमारे पास, पानी के अंदर भी इतना सारा कोल, भाई साहब मज़ा आ गया यार, मतलब इतना सारा रिसोर्सेज है इस गेम में, अब आप मज़ा आ जाएगी आप अगर आप खेलेंगे तो। यार जल्दी से इसको इकट्ठा करते हैं एंड जितना ज़्यादा होना यार फिर उसके बाद दिक्कत नहीं होती बार बार इधर उधर आने की। यहाँ पे ग्रेवल है और ग्रेवल से आपको पता ही है कि यार फ्लिंट एंड स्टील का फ्लिंट मिलता है, तो फ्लिंट हम अभी मतलब इतना इम्पोर्टेंट नीड नहीं है हमारे को, फ्लिंट भी बाद में जमा करने आ जाएंगे हम। तो गाइस आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, इज़ इट हैप्पी, इज़ इट सैड, इज़ इट कोल्ड, इज़ इट ब्राइट, कैसी हो रही है ज़िंदगी। यहाँ पे तो भाई कोल्ड हो रहा बहुत ज़्यादा और बस यार लाइफ के मज़े करिए और खेलिए माइनक्राफ्ट और जो भी आपको अच्छा लगता है वो सब खेलिए। तो फिलहाल यार यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए तो इतना सारा है ना भाई, बता नहीं सकते। यार काफ़ी इकट्ठा हो चुका है मेरे पास कोल्ड, तो वैसे लगभग हो ही चुका है, लगभग ठीक ठाक अमाउंट का हो चुका है। अभी जो यार ये वाला है ना, मैंने मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल नहीं है तो जो मतलब मेन ऑप्शन है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो जो बन सकते हैं वो सब अब यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यार ये भी बहुत बढ़िया हो चुका है और इसमें ना एक चीज़ ये है कि आप सिंगल क्लिक में आप आराम से एक चीज़ को बना सकते हैं, आपको बार बार उसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है, वो बनती रहेगी। यार ये भी ठीक है क्योंकि यार इसमें मतलब एक दिक्कत वो होती है ना कि आप बार बार इसको ऊपर ले जाओगे तो फिर वापस वो नीचे आता है, जो आइटम आपको बनानी है जिसके लिए मटेरियल आपको ज़रूरत है तो यार वो बार बार नीचे आ जाता है, इसलिए ठीक है यार ये सही है, बढ़िया है। वैसे यार अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ यार आप खेलोगे ना तो आपको मज़े बहुत आने वाले हैं इस गेम में, माइनक्राफ्ट जो भी है ये पॉकेट एडिशन 1.18 समथिंग, तेरे मज़े बहुत मस्त है इस गेम। फिलहाल जिसने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ करिए एंड थैंक यू सो मच, आप देख रहे हैं एंड जल्दी से जल्दी 300 सब्सक्राइबर पहुँचा दीजिए क्योंकि तभी तो यार ज़्यादा मजा आने वाली है, क्योंकि आगे मतलब बहुत सारी नई चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर है, जितना आप लाएंगे तो फिर आप मज़े आएगी। अभी यार जितनी भी चीज़ें बन रही है ना मेरे को बस स्टिक बनानी है, स्टिक भी नहीं बनानी है अब तो, पता नहीं क्या क्या बनाना है, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद यार। अभी तो फिलहाल यहाँ से मूव करते हैं कहीं ढंग की जगह देखते हैं हम जहाँ पे मतलब अच्छा अच्छा कुछ मिल सके,
और तो बस और क्या है यार, और तो ज़िंदगी में कुछ नहीं है, बोर्ड बना देते हैं यार, बोर्ड से ट्रेवल करेंगे। इसको तोड़ देता हूँ यार, ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो यार ये है, क्राफ्टिंग टेबल बार बार कहाँ बनाएंगे यार। मैंने बोर्ड बना लिया, बोर्ड से अब देखते हैं कितना मतलब जल्दी जल्दी जा पाएंगे। बोर्ड यार सबसे सही रहती है, मतलब एक तरीके से ना ट्रैवलिंग के लिए बोर्ड बढ़िया ऑप्शन है। यार बादल भी अब बहुत ऊपर हो चुके हैं और सूरज भी डूबने वाला है, तो आई एम थिंकिंग टू स्टे हियर, मतलब अभी यहाँ पे ही रुकने की सोच रहा हूँ मैं, अगले दिन होके जाएंगे। वैसे यार अगर आगे थोड़ा सा मूव कर भी लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, और इसमें आप चंक की जो स्पेस है ना वो भी बढ़ा सकते हैं। फिलहाल यार मैं अपनी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, आपको दिक्कत ना हो कुछ देखने में और मुझको भी ना हो। तो यार सभी बढ़िया चल रहा है अभी तो फिलहाल, अभी होने वाली रात यार थोड़ी देर यहीं पे स्टे करते हैं एंड हम चलेंगे अब नेक्स्ट दिन में। बस और तो सब कुछ ठीक ही हो रहा है यार लाइफ में, बस सब कुछ अच्छा हो रहा है। आजकल थोड़े यार बिजी चल रहे ना, तो इसलिए मतलब और ज़्यादा क्रेजी वीडियोस नहीं आ पा रही, लेकिन लाएंगे ज़रूर लाएंगे, टाइम आएंगे तो यार तब तो ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोज़ आने वाली हैं यार, आप मज़ा आ जाएगी आप लोगों को। फिलहाल तो यार रात हो चुकी है एंड अब मॉब्स भी आने वाले होंगे, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे अंदर ना एक जगह बना लूँ। तो यार गाइस काफ़ी देर बाद मतलब खुदाई उदाई करने के बाद मैंने लाइट स्टिक बना लिया, और ये जो भी कोल इकट्ठा होता है यहाँ पे मैंने बढ़िया सा छोटा सा घर बना दिया अपने लिए। फिलहाल तो यार इसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ रिसोर्सेज भी नहीं है जिससे कि मैं एक बहुत आलीशान घर बनाने वाले। इसमें बहुत ज़्यादा लेवल हाई क्रिएटिविटी करने वाले, मतलब बहुत ही लेवल हाई होने वाला है, सब कुछ होने वाला है, जो भी होगा बहुत ही मस्त होगा। तो पहली सीरीज है यार, पहला दिन है तो यार एक्सप्लोर करना तो बनता ही है थोड़ा सा। अभी रात हो रही है तो रात से अभी देखते हैं यार क्या क्या कर पाएंगे हम यहाँ पे। जितना भी है जितना मतलब बहुत सारा सामान इंक्लूड हुआ है आप देख सकते हैं, इससे पहले पहले ना मतलब कुछ कुछ चीज़ें नहीं थी, कुछ कुछ ब्लॉक्स नहीं थे, और कुछ कुछ नए नए ब्लॉक्स भी ऐड हुए हैं यहाँ पे। यार ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी हमारे लिए एक्सप्लोर करने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास सब कुछ आने वाला है। तो फिलहाल दिखाता हूँ आपको एक तरीके से क्या क्या चीज़ें नई नई हैं। इसमें एक गोट हॉर्न था मैंने कहीं देखा था, तो मुझे वो देखना है कि कहाँ पे है वो गोट हॉर्न, नहीं सॉरी एक नया मॉब है जो इंक्लूड हुआ है उसका हॉर्न था, गोट हॉर्न भी है और एक नया मॉब है उसके जो मतलब उससे जो मिलता है, जैसे शल्कर से हमें शल्कर क्राफ्टिंग बॉक्स मिलते हैं, तो वैसे ही एक नया मॉब इंक्लूड हुआ है तो उससे भी मिलता है। तो बहुत कुछ अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं यार इस बैग में। फिलहाल फर्नेस में खाना बनाते, खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम में, क्योंकि बिना खाने के आपका कुछ भी नहीं होने वाला रियल लाइफ में भी। फूड इज़ नेसेसरी, खाना बहुत ज़रूरी है गाइस, बट अवॉइड फास्ट फूड अवॉइड करिए। हफ्ते में एक दिन चलता है यार, लेकिन अब डेली खाएं तो वो नहीं चलेगा। तो यार अभी तो खाना बन ही रहा है, और चलिए खा भी लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई इसमें ज़्यादा, खाना भी बनने वाला है, हो रहा है बस बनने ही वाला है गाइस। तो यार कैसे चल रही है लाइफ पूछ रहा था, और अभी मतलब क्या है ना कि आप लोग मज़े करिए लाइफ के। तो यार यहाँ पे मैंने जो एरिया था इसको मतलब काफ़ी बड़ा चौड़ा कर दिया, यहाँ पे मैं घर नहीं बनाने वाला, लेकिन मैंने यहाँ से स्टोन उठा लिए क्योंकि स्टोन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और क्राफ्टिंग में तो वही मतलब सबसे ज़्यादा मदद करते हैं स्टोन्स वगैरह ही, इसलिए स्टोन भी बढ़िया है यार, ऑप्शंस बढ़िया है। स्टोन होगा ना तो स्लैब्स बना सकता हूँ, और बहुत सारी क्राफ्टिंग चीज मतलब स्टेज वगैरह भी बन सकती है। तो यार यहाँ से अब निकलने का टाइम आ चुका है, सुबह हो चुकी है, इट्स अ न्यू डॉन। बस यार मूव करते हैं यहाँ से बोर्ड। अरे भाई चल बैठ ऑन बोर्ड, भाई बोर्ड में भी बंदा बैठ चुका है, एंड अब यहाँ से हम चलते हैं। यार इसका कंट्रोल है आगे मूव करने का, यार इधर साइड मूव कर रहा है भाई साहब, अजीब ही कंट्रोल है इसके तो, खतरनाक कंट्रोल है गाइस। ये चाहता क्या है भाई ये, किधर अबे किधर जा रहा है यार भाई इसका कंट्रोल बहुत ही वियर्ड एंड यूनिक है, मतलब आप साइड मूव करेंगे ना दोनों बटन को दबाएंगे। यार मैं आगे मूव करने का चाह रहा हूँ, यार चल क्यों नहीं रहा भाई साहब तू, चलो। ओके अब मेरे को समझ आया यार, अगर आपको राइट में जाना है तो आपको राइट वाला ऑप्शन दबाना पड़ेगा, तो आपकी बोट उधर वो होगी, लेफ्ट में आने लेफ्ट वाला दबाना पड़ेगा, आपको दोनों सेमिलटेनियसली दबाने पड़ेंगे एक साथ, तभी आप आगे मूव करेंगे।
यार ये भी बहुत घटिया चीज़ है यार, आगे जाने वाले सिर्फ आगे वाला बटन होना चाहिए था जिससे कि ज़्यादा दिक्कत ना है, क्योंकि अगर आप रात को मॉब मॉब वगैरह आ गए ना तो भाई साहब ये जो ऑप्शन है ये बहुत दिक्कत करने वाले हैं। और मुझे लगता है यार मैं ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकता अभी फ़िलहाल, तो चेंजिंग का इतना तो पता नहीं यार, चेंज नहीं हो सकते हिसाब तो यार ये मतलब पॉकेट एडिशन में शायद आप कंट्रोल चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास कीबोर्ड है तो आप अपने रैंडम कंट्रोल्स डाल सकते हैं, वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है यार। कीबोर्ड से भी खेल के देखेंगे यार एक बार, लेकिन फालतू अभी मतलब मोबाइल में ठीक ही चल रहा है वैसे तो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी यार। इधर एक बार आगे मूव करके देखते हैं कहाँ जाएँ हम, कहीं नई लोकेशन से, तो नीचे वाली जो पानी के नीचे वाली लोकेशन है ये भी बहुत ज़्यादा मतलब मस्त मस्त हो रखी है, और एक्सप्लोर करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले इन चीज़ों को। आगे एक टाकू दिख रहा है, मैं वहीं जा रहा हूँ फिलहाल। नीचे देखिए भाई साहब क्या मस्त लाइट जल रही है भाई साहब, अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी ज़बरदस्त। यहाँ पे एक टाकू दिख रहा है, टाकू में चलते हैं, टाकू मतलब आइलैंड दिख रहा है यार, क्या बोल रहा हूँ, हाँ टाकू ही बोलते हैं ऐसे तो, उसको आइलैंड आइलैंड दिख रहा है, आइलैंड में चलते हैं, क्या पता आइलैंड के अंदर कुछ ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिले हमें। वैसे यार जहाँ पे मैं था अभी वहाँ पे बहुत बड़ा आइलैंड है, लेकिन उस आइलैंड के ना पीछे वाला पार्ट है जो वो क्या बोलते हैं उसको, डेजर्ट है, और डेजर्ट में मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैंने सोचा डेजर्ट से शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि डेजर्ट में आप बिल्ड भी मतलब जो करेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। और डेजर्ट में एक चीज़ ये हो गई ना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरी गहरी गुफाएं इंक्लूड हो चुकी हैं, तो एक मतलब हल्का सा भी आप जो सैंड है इसको आप खोदते हैं तो सीधा आप नीचे जाएंगे और तब डेड, यू आर डेड इन अ सेकेंड। सो यार यहाँ पे मॉब्स बहुत अच्छे अच्छे आ रखे हैं भाई, इधर इनको इकट्ठा कर लेते हैं, ये जो शुगर केन है, शुगर केन फार्म बनाएंगे हम वहाँ पे, यहाँ पे भी मतलब एक नया घर है, मैं मतलब बेसिकली ढूंढ रहा हूँ एक विलेज, आज का हमारा मिशन का टारगेट है वो है एक विलेज ढूंढना, एंड विलेज मिलता यार बस वहीं पे बस जाएंगे, पहला जो विलेज मिलेगा वहीं पे बसेंगे बस यार, कोई भी मिले चाहे, डजेंट मैटर वो माउंटेन का होगा या मतलब थिक फॉरेस्ट का होगा या फिर जो नॉर्मल मैनग्रोव फॉरेस्ट मतलब ये जो ये वाले फॉरेस्ट है इनका होगा, थिक फॉरेस्ट मतलब जंगल फॉरेस्ट आप बोल सकते हैं उसको। जंगल फॉरेस्ट में वैसे मतलब विलेज कम ही देखने को मिलता है आपको, जो हिली वाले फॉरेस्ट होते हैं मतलब जिनमें जो पेड़ होते हैं उनका जो ओक का रंग होता है वो मतलब थोड़ा डार्क होता है, जो ट्रंक का रंग होता है बेसिकली, तो यार यहाँ पे लाइट रंग वाले पेड़ ही मिले हैं आपको जहाँ पे सफ़ेद और ब्राउन का मिक्सचर वाले होंगे, तो इन इलाकों में मतलब विलेज जल्दी मिल जाते हैं मेरे हिसाब से, एंड इसलिए मैं यहाँ पे ढूंढने आया हूँ, क्या पता कब मिल जाए कोई विलेज। यार गाइस सॉरी यार, मानना पड़ेगा आपको, आपको मानना पड़ेगा भाई, अब मॉब को मारने में भाई बहुत ज़्यादा मिल रहा है पता है आपको, मतलब हर एक पिछली बार जब पीसी वाला जावाक्राफ्ट खेलते तो उसमें हम गाय को मारते तो हमें एक लेदर मिलता है, कभी कभी मिलता ही नहीं है, और यहाँ पे भाई डबल डबल लेदर मिल रहा है, डबल डबल फूड का जो चैंप मिल रहा है वो चंक है जो मतलब वो मिल रहा है, तो भाई साहब ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गई। अब कुत्ते भी है भाई साहब, जंगली कुत्ते, इनको भी ले जाएंगे अपने साथ, सॉरी यार सॉरी आई एम सॉरी, मानना पड़ेगा तुमको। तो यार अभी मेरे पास कुत्तों के लिए वो तो है नहीं बोन वगैरह, स्केलेटन वगैरह को भी मैंने मारा नहीं, तो यार बोन तो उन्हीं से मिलेगी ना, तो फिलहाल यार बोन का इंतज़ाम करेंगे फिर वापस आएंगे इनके साथ, कुत्तों को भी ले जाएंगे अपने साथ, दो तीन कुत्ते, यार उन कुत्तों की मुझे बहुत याद आ रही जो मेरे पीसी में थे, वो कुत्ते पता नहीं कहाँ गए, सैड लाइफ गाइस। यार इतने भी मिले ना इनको तोड़ लेते हैं, वो वर्ल्ड मेरा इतना मस्त था, मस्त चल रहा था भाई साहब, लेकिन यार पता नहीं कहाँ गया वो, गायब हो गया वो, एट वैनिश्ड। लेकिन कोई नहीं यार, एक नया वर्ल्ड ये वाला है, ये भी इतना ही मस्त है, और यार बोट के बिना भी यार इंसान बहुत तेज़ तैर रहा पानी में, तो अब देखने को मिल रहा है ना, आप देख ही सकते क्या ज़बरदस्त स्पीड आ रही है भाई, बोट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मतलब एक हिसाब से, यार फिलहाल भी तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ यार, एक कितना बड़ा बड़ा माउंटेन मतलब माउंटेन कितने बड़े बड़े हो गए हैं भाई साहब, यहाँ मानना पड़ेगा यार काफ़ी इंक्लूड किया इन्होंने भाई साहब, हाइट देखी भाई उसकी, पिछले वाले जो माउंटेन्स हैं ना उनकी हाइट एक किलोमीटर रेंज पे थी, लेकिन अब उन्होंने कोशिश की है कि मतलब एक क्लासी लुक दिया जाए माउंटेन को, बिल्कुल रियलिस्टिक व्यू आपको देख प्रोवाइड कर रहे हैं वो, तो फिलहाल यार ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पे एक नीचे कैनन है, मतलब एक घाटी है, एक घाटी टाइप है नीचे, अरे वाह गाइस फाइनली हमें अपना विलेज मिल चुका है, और अब यहीं पे हम कुछ करने वाले हैं ज़बरदस्त चीज़ें, मतलब इंसान भी मिल गए हैं, सब कुछ अब यहीं से होने वाला है, तो यही हमारा नया विलेज है हेवन लोड्स, इसको विलेज बनाएंगे, ज़बरदस्त बनाएंगे इसको, हर एक मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त विलेज बना देंगे इसको हम, तो फिलहाल यार विलेज का पहला घर तय है, एंड यहाँ पे अपने रिस्पॉन्स पॉइंट सेट कर लेता हूँ, बैड टू फार दिखा रहा है भाई,
थोड़ा और पास, ओके ओके, तो यार स्पॉन पॉइंट सेट हो चुका है, कोऑर्डिनेट्स मेरे दिमाग में याद हो चुके हैं, क्योंकि याद करने में कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे मतलब समुद्र के बिल्कुल पास है, तो यार इसकी मुझे एक चीज़ मतलब यहाँ पे ज़बरदस्त लगेगी कि मुझे ट्राइडेंट की कमी नहीं होने वाली, ट्राइडेंट वाले बंदे आने वाले यहाँ पे खतरनाक, क्योंकि समुद्र के बहुत पास है। आंटी जी नमस्कार, मैं आ चुका हूँ आपके विलेज में, क्या नाम आपका? मोहतरमा कुछ बोल ही नहीं रही है भाई साहब। यार आंटी को क्या चाहिए? ओके, तो आंटी ने मुझे अपने विलेज में आने की एंट्री दे दी है, एंड मैं उनके विलेज में जाके कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी, मतलब चोरी नहीं, चोरी तो नहीं करूँगा। फिलहाल रात हो रही है, तो यार अपने जो पॉइंट सेट है वहाँ पे जाके सो जाते हैं। सब लोग जाओ सो जाओ भाई साहब, क्योंकि अब आपकी विलेज का एक नया रक्षक आ चुका है यहाँ पे। यार इसी विलेज में जाके अपना सो जाते हैं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरा विलेज कहाँ है? मेरा वाला बहुत दूर है यार, अभी तो मेरा वाला तो पता नहीं कहाँ है। फिलहाल हम इसी वाले घर में सो जाएंगे यार। इधर भी आंटी, आंटी आज रात के लिए प्लीज। ट्रेडर है भाई ये, इसके पास भी ज़्यादा कुछ मिला नहीं मुझको यार। मुझे लगता है ये विलेज कपड़ों वालों का ये है, बिल्कुल पूरी तरह से कुछ भी नहीं मिल रहा है इनके पास से भाई। अरे भाई भाई भाई, देखा मैंने कहा था ना, ये ट्राइडेंट वाले बंदे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे। तो फिलहाल एक को तो मैंने मार दिया, मेरे विलेज में कैसे अटैक करोगे? अब इस विलेज का राजा मतलब रक्षक आ चुका है, अब कोई भी इस विलेज को देखने मतलब बुरी नज़र से नहीं देख सकता, क्योंकि आई एम हेयर गाइस, आई एम हेयर। अबे भाई कितनी गहरी वो है भाई गुफा। भाई साहब अगर मैं एक कदम उधर जाता ना तो मैं सीधा नीचे जाता, और फिर तो पता नहीं मेरा सारा सामान जो मैंने इतना वैल्यूबल सामान इकट्ठा किया है वो जाता। अरे भाई साहब यहाँ पे यार एक खतरनाक चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपके पास विलेजर के घर के साथ साथ एक रुइन पोर्टल कनेक्टेड है। मतलब भाई क्या अमेजिंग चीज़ है, बहुत रेयरली देखने को मिलती है, और मुझे लगता है कि मैं खतरनाक रियली बंदा हूँ, तो यार इसलिए मेरे को मिल रही है यहाँ पे। यार देख ही सकते हैं आप क्या खतरनाक लग रहा है भाई साहब, मतलब घर के बिल्कुल पत्थर से पत्थर कनेक्टेड, और यहाँ पे बिल्कुल जॉइंट से बना हुआ है यार ये रुइन पोर्टल। इसको बनाएंगे मतलब इसको तोड़ेंगे नहीं यार हम, ये जो रुइन पोर्टल्स होते हैं ना इसको देखने में अलग ही मज़ा आता है, तो इसको बिल्कुल बना के रखेंगे ज़बरदस्त अच्छे से, इसको लुक देंगे नया, और इसको घर के साथ ही जोड़ के बनाएंगे, आप फ्यूचर वाली वीडियोज़ में देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिले। एंड बस इंजॉय करिए लाइफ को यार, अभी फिलहाल सो जाते हैं क्योंकि अभी कुछ दिख नहीं रहा अच्छे से, तो इसको उठाओ यार। सॉरी मुझे नींद आ रही है तो मैं सो रहा हूँ यार। तो फिलहाल यार आज सुबह हो चुकी, गुड मॉर्निंग आंटी, और निकल रहे आंटी अंकल है मुझे पता नहीं भाई, लेकिन अब रुइन पोर्टल में जाते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलेगा वहाँ से सामान। यार लाइब्रेरी है यहाँ पर कुछ, इससे मतलब मिल सकता है खतरनाक बुक्स वगैरह। अरे भाई सॉरी 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 अंकल, सॉरी अंकल, सॉरी सॉरी बाय मिस्टेक। भाई कुछ नहीं है, कबाड़ हट, निकल यहाँ से तू घटिया आदमी। उसके पास कुछ था ही नहीं यार, रुइन पोर्टल रहते हैं यहाँ पे, चेस्ट तो होनी चाहिए आसपास कहीं। चेस्ट चेस्ट भाई साहब नीचे देखिए भाई, पूरा का पूरा खजाना है, मतलब क्या खतरनाक जगह है भाई। अगर एक कदम गलती से भी पड़ गया ना वहाँ, तो सीधा नीचे जाऊँगा, जाएंगे हम नीचे, जाऊँगा मैं, और फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। वैसे यार यहाँ पे अच्छा चेस्ट तो होनी चाहिए यार आसपास कहीं, चेस्ट किधर है? ओरे ओरे ओके ओके ओके, अरे ये मकड़ी मुझे मार क्यों नहीं दिए? मुझे लगता है मॉब मेरे दोस्त बन चुके हैं इस गेम में, मार क्यों नहीं दिए भाई मेरे को? तो क्या हो क्या रहा है तुमको? अच्छा भाई सो रखी थी भाई वो, अच्छा खासा सो रही थी, मैंने उसको डिस्टर्ब कर दिया भाई। मतलब मकड़ी आपको अटैक नहीं करती अगर आप जब तक अटैक ना करेंगे। तो फिलहाल यार मुझको मिला है कि ज़बरदस्त चीज़ मिली है भाई साहब, यार फालतू फालतू आइटम अपने पास आई। मैं इधर इस वाली चेस्ट में डाल देता हूँ ये फ्लिंट एंड स्टील जो मेरे को दूसरे वाले उससे मिला था, और अभी तो भाई दो रुइन पोर्टल मैं लूट चुका हूँ अच्छे तरह से। तब सोच सकते हैं कि मतलब गेम में रिसोर्सेज की अब कमी बिल्कुल नहीं होने वाली, आप एक्सप्लोर करते जाएंगे तो आपको मिलता जाएगा। अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ आइटम है नहीं, जो गोल्ड के हो वगैरह है, पिकेक्स वगैरह है, और ये एप्पल है गोल्डन एम्पल, तो इसको मैं वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, इनको अपने पास रखेंगे ताकि हम बाद में मतलब मजे कर सकें यार गेम में। अभी तो हम बिल्कुल लो लेवल से खेल रहे हैं, और आगे हमें जाने वाले हैं बहुत ही हाई लेवल पे। तो अभी फिलहाल तो यार इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और यहीं से आगे बढ़ाएंगे हम नए विलेज की तरफ, मतलब मस्त कर देंगे इस विलेज को। तो जिसने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 300 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दीजिए, एंड स्टे हेल्दी स्टे फिट, अपने माँ को खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए, लाइफ को इन्जॉय करिए, एंड इस बड़ी फैमिली को, इस फैमिली को बहुत बड़ा बनाना यार गाइस, यार बस बड़ा बनाइए, और तो क्या है, और तो लाइफ में इन्जॉयमेंट है, और बस
और क्या है, और सब्सक्राइब कर दीजिए यार, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करने में बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगता है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि हर एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, मतलब इंपॉर्टेंस रखता है मेरी लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड या बाय।